हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर के बारे में, यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में कि एक्चुअल में ये क्या होती है, इसके क्या रिस्क फैक्टर, क्या क्या कॉजेस होते हैं, आपके बेबी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसके साथ में अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो इससे किस तरीके से आप बच सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन पर जरूर हिट करें, और अगर आप इस चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली ये जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, ये क्यों हो जाती है। एक्चुअली प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन में जो फ्लक्चुएशन होता है आपकी बॉडी के अंदर, इंसुलिन लेवल में जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है शुगर में, यानी कि ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम डेली की जो एक्टिविटीज है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका पेनक्रियाज जिस इंसुलिन को जिसका प्रोडक्शन करता है वो आपके शुगर को ले जाता है सेल्स तक, उसको मूव कराता है सेल्स तक और आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो उस दौरान, जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका प्लेसेंटा आपके बेबी तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ ये बहुत सारे हॉर्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता है जो कि आपकी बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है हॉर्मोन का उसको ये डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और ये जो प्लेसेंटा होता है ये आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी से पहले आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं रही हो, आपको डायबिटीज का कोई इश्यू नहीं रहा हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि इसके बहुत सारे हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, जस्ट लाइक आपकी फैमिली जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है उनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज, आप पीसीओडी की पेशेंट है तो उसमें भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर आपके जो पिछली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ हो शुगर लेवल बढ़ने की वजह से, या फिर स्टिल बर्थ हो गया हो, बच्चा पेट के अंदर पिछली प्रेगनेंसी में उसकी डेथ हो गई हो, तो ऐसे केसेस में भी आपकी शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस होते हैं। या फिर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर बहुत तेजी से आपका वेट बढ़ रहा है तो उस दौरान भी आपको शुगर लेवल अपना चेक आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बहुत तेजी से वेट बढ़ रहा है, दैट मींस आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, अगर आपके साथ ये फैक्टर्स हैं देन आपको शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पता कैसे करें कि हमको कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है। एक्चुअली WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से 24 से 28 हफ्तों के बीच में आपकी ग्लूकोज स्क्रीनिंग होती है, वो एक टेस्ट किया जाता है जिसमें आपको 75 ml का एक सेशे दिया जाता है जो कि पानी के अंदर घोल के आपको पीना होता है। उसके 2 घंटे के बाद आपका एक ब्लड टेस्ट होता है और उस टेस्ट में आपका शुगर लेवल को चेक किया जाता है। अगर वो शुगर लेवल आपका 140 से ऊपर होता है देन डॉक्टर आपको बोलते हैं GTT के लिए, यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए बोलते हैं। अगर वो लेवल 120 के नीचे रहता है देन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 120 से 140 के बीच में रहता है देन डॉक्टर आपकी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, थोड़ा आपका खास ख्याल रखते हैं। बट आपको डरने की बात नहीं होती है क्योंकि ये आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट को चेंज करके, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हो सकता है कुछ लोगों को पहले से ही शुगर की प्रॉब्लम हो तो कैसे पता करें। वेल, प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही आपका जो ग्लूकोज का टेस्ट होता है, शुगर का टेस्ट होता है, जिसे पता लग जाता है कहीं आपको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर आपकी बढ़ा हुआ तो नहीं है। सो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने डॉक्टर को फॉलो कर। आइए अब बात कर लेते हैं कि आपके बेबी पे इसका क्या असर पड़ सकता है अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सबसे पहली चीज, नॉर्मली जब आप टेस्ट कराने जाते होगे तो डॉक्टर जो आपकी रिपोर्ट आती होगी तो उसमें आप देखते होगे कि आपका बेबी तो 4 किलो का है, 4.5 किलो का है, और बहुत ताव में आपके बोलते होगे कि मेरे बेबी का तो बहुत ज्यादा वेट है। इसमें आप तो खुश होते हो लेकिन डॉक्टर थोड़ा सा टेंस्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका शुगर लेवल बढ़ा हो, क्योंकि शुगर लेवल जब आपका बढ़ता है तो बेबी में ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बेबी का वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, और जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद बेबी का जो शुगर
होता है वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के साथ हो सकती है। इससे बच्चे को झटके भी आने लगते हैं। तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको बोलती है कि आपको बार बार बच्चे को फीड कराना है, इसके साथ में बार बार बच्चे का शुगर टेस्ट हो जाता है और कभी कभी बच्चे को NICU में एडमिट भी करना पड़ता है। इसके साथ में बच्चा फुल टर्म का है, फुल टाइम पे उसकी डिलीवरी हुई है, बट तब भी उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस केस में भी डॉक्टर NICU में एडमिट करते हैं। ऐसे बच्चों में 50% ज्यादा चांसेस होते हैं उनको जॉइंटिस होने का खतरा, यानी कि पीलिया होने का खतरा भी रहता है। साथ में बच्चों में जो डिफेक्ट्स हो जाते हैं, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, रेयरली कभी कभी स्टिल बर्थ भी हो जाता है, यानी कि बच्चा पेट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, कभी कभी अबॉर्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। इसके साथ में डिलीवरी के प्रोसेस में भी थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, बट ज्यादातर चांसेस होते हैं उनके सी सेक्शन के अगर उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और उसका वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। आप बात करते हैं कि मदर पेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरीके से कोई भी नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट होता है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है डायबिटीज का, जिस लाइक उसकी आंखों पे असर पड़ता है, किडनी पे, मतलब पूरी बॉडी पे, किसी भी ऑर्गन पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर भी उसका सेम इंपैक्ट पड़ सकता है जिस तरीके से डायबिटिक पेशेंट के ऊपर पड़ता है। फीमेल्स में जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जो है डायबिटीज हुई है, बाद में जाके उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाती है, अपने आप वो खत्म भी हो जाती है, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं अगर आप उनको प्रेगनेंसी के दौरान नजरअंदाज करते हैं तो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किन चीजों का ख्याल रखना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि आपको कोई शुगर का टेस्ट कराना है तो इमीडिएट आपको शुगर का टेस्ट कराना है। साथ में जो भी वो मेडिसिन आपको दे रहे हैं तो उसको टाइम पे आपको लेना है, और कब कब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ये आपको उस पर भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको अपनी डाइट पे बहुत फोकस करना है, आपको वही खाना है जो आपको डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, जिसमें ज्यादा शुगर है, बहुत ज्यादा मीठा, जो भी मीठे फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको भी आपको अवॉइड करना है। इसके साथ में अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है ताकि आपका जो भी ग्लूकोज आपके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए। इसके लिए आप डॉक्टर के कंसल्ट के बाद जो है आप कुछ एक्सरसाइज या योगा भी स्टार्ट कर सकते हो, आप वॉक पे भी जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन आपको नॉर्मली अपने घर के भी जो भी रूटीन एक्टिविटीज हैं उनको कंटिन्यू रखिए ताकि आपका जो है शुगर लेवल कंट्रोल रहे। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डिसिप्लिन में रहना है। प्रेगनेंसी के दौरान डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेगनेंसी को परफेक्ट बनाने के लिए। कब आपको क्या खाना है, क्या डाइट लेनी है, कैसे न्यूट्रिशन डाइट लेनी है, इसके साथ में आपको कितना एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। ज्यादा लेजीनेस, ज्यादा रेस्ट भी अच्छा नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द अमोम चैनल। बाय बाय।